जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई पहचानता भी नहीं है जामनगर को। द्वारिका के हिसाब से ही सब पहचानते भाई, जामनगर द्वारिका से पहले आता है। एकदम बहुत प्राउड हो रहा है हमें कि इतने बड़े बड़े लोग जामनगर आ रहे हैं। उनको हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जामनगर को ग्लोबल लेवल पे ले लिया। अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि उनकी वजह से जामनगर एक्सपोज हुआ ग्लोबल लेवल पे। जामनगर वासी हमें ये फील होता है कि चलो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वो पूरी दुनिया के सामने आए। यहाँ की खान पान, रीति रिवाज जो है, तो ये एक दुनिया से कनेक्ट करने का एक अच्छा मौका जामनगर वासियों को मिला है। प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में चल रहा है, हाँ ठीक है। तो कैसा लग रहा है जामनगर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है हमको, तो अच्छा लगता है। वो सारा दिन ऐसा ऐसा तो चलते ही रहते हैं, सारा दिन अच्छा लगता है हमको, ठीक है। जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन मुकेश अंबानी जी के बेटे आनंद अंबानी जी का होने वाला है 1-3 तारीख तक। जामनगर के निवासी हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, एक बढ़िया, इसलिए कि जामनगर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई पहचानता भी नहीं है जामनगर को। द्वारिका के हिसाब से ही सब पहचानते भाई, जामनगर द्वारिका से पहले आता है। एकदम बहुत प्राउड हो रहा है हमें कि इतने बड़े बड़े लोग जामनगर आ रहे हैं। अंबानी जी के छोटे बेटे का प्री वेडिंग फंक्शन जामनगर में होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं जामनगर के निवासी होकर, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार? बहुत अच्छा और खुशी महसूस हो रही है कि वो लोग अपने है ना, वो इतना ऊंचे होने के बाद भी वो बेस लेवल पे बैठ के इधर है ना, सभी से मिलजुल के काम करते हैं, बड़ी बात ये है। इतना बड़ा फंक्शन और सभी से मिलजुल के, अभी ग्राउंड लेवल पे समझो सभी से बात करते हैं, छोटे हो या बड़ा, उसको अपने इतना हाई नहीं मानते, इतना अच्छा नेचर है उनका। ऐसे ही बड़े बाहर के लोग, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वो सब आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? उनको हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने जामनगर को ग्लोबल लेवल पे ले लिया। अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी को बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि उनकी वजह से जामनगर एक्सपोज हुआ ग्लोबल लेवल पे। जामनगर इतना अच्छा है, वहाँ यहाँ पे लोग सब अच्छी तरह से रहते हैं, मस्त है ये प्लेस। ऐसे इतने बड़े और लोग आएंगे यहाँ पे, शायद वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है क्या, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे हमारे लिए, जामनगर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि जामनगर वैसे तो छोटी काशी कहा जाता है और इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है, तो इन दोनों चीज़ों से तो ये जामनगर फेमस था ही, लेकिन जामनगर में यहाँ पर जो हमारे अंबानी जी है, भारत के और मैं तो कहूँगा कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से है, बिजनेस आइकन है, और उनकी भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर है, और उनके छोटे बेटे आनंद की शादी हो रही है, और उन्होंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ जामनगर में रखा है। तो इस फंक्शन में देखा जाए तो कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स जैसे, शकीरा है, तो वे सभी आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड आ रहा है, और मेरे ख्याल से आज तो सलमान खान और शाहरुख खान भी आ गए हैं, और पूरी क्रिकेट टीम आ रही है। तो विश्व को माने कि एक जामनगर के फलक पर लाके खड़ा कर दिया हो, ऐसा महसूस होता है। और एज ए जामनगर वासी हमें ये फील होता है कि चलो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, वो पूरी दुनिया के सामने आए। यहाँ की खान पान, रीति रिवाज जो है, तो ये एक दुनिया से कनेक्ट करने का एक अच्छा मौका जामनगर वासियों को मिला है, और इसके लिए थैंक टू अंबानी फैमिली कि इन्होंने ये पूरा, चाहते तो वो प्री वेडिंग के रूप में कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी रख सकते थे, बड़े बड़े होटल है वो भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को और अपनी कर्मभूमि को जो महत्व दिया है और जामनगर में ये पूरा आयोजन किया है, उसके लिए एक जामनगर वासी होने के नाते उनको भी धन्यवाद देते हैं हम। इससे पहले कभी भी ऐसा बड़ा फंक्शन हमारे जामनगर सिटी में हुआ नहीं है, और अभी ये मतलब ग्लोबली लीडर्स सारे आ रहे हैं, सारे फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, इसीलिए हमारे जामनगर भी मतलब आने वाले फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाएगा, और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हम जहाँ पे रहते हैं उधर ऐसा बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये जो आनंद अंबानी जी की शादी हो रही है, इसके लिए पूरा शहर बहुत खुश है, और पूरे शहर में सजावट हो रखी है, और उसने जो वनतारा नाम का प्रोजेक्ट जो प्राणियों के लिए किया है वो भी बहुत सही है, और यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है उसको देखने जाने के लिए,
और उसने प्राणियों के लिए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत है हमारी हॉस्पिटल में। तो हम अनंत अमाणी जी के से रिक्वेस्ट करें कि वो प्राणियों के लिए जो करे वो ह्यूमन के लिए भी उसके लिए कुछ सोचे और हमारी हॉस्पिटल में भी कुछ बढ़िया काम कर दे, ताकि पूरे जामनगर वासियों को रिलायंस की एक बहुत बड़ी भेंट इस शादी के रूप में परमानेंट मिल जाए। कैसे देखते हैं? हाँ, बड़े बड़े लीडर्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और रियाना जी और सब सिंगर्स और बी पार्क वो सब बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी आ रही है, उसकी वजह से जामनगर में बहुत ही लोग आनंदित है और टीवी में देखने के लिए भी एक्साइटेड है। हम लोगों को तो इन्विटेशन नहीं मिलेगा, लेकिन टीवी में सब देखेंगे कि कैसी शादी हो रही है।